अमेरिका के शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट और राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरीके से प्रभावित हुए भारत को अहम सलाह दी है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारत में वैक्सीनेशन ही एकमात्र समाधान बताया है। फाउची ने कोरोना वायरस की वजह से भारत के हालात पे काफी गहरी चिंता जताई है और कहा है कि भारत में ऑक्सीजन की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। एक मीडिया संस्थान को दिए खास इंटरव्यू में डॉक्टर फाउची ने कहा है कि भारत को जल्द से जल्द अपनी अधिक से अधिक आबादी को कोरोना वायरस का टीका लगवाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। भारत को न केवल भीतर से बल्कि बाहर से भी अपने संसाधन मिल रहे हैं, इसलिए दूसरे देशों को भारत को उनके यहाँ टीका निर्माण के लिए सहायता देनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर फाउची ने कहा है कि जिस तरह पिछले साल चीन ने अस्थायी अस्पताल बनाए थे, ठीक ऐसा ही कुछ भारत को करने की जरूरत है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अस्पताल में बिस्तरों की गंभीर कमी है और अस्थायी व्यवस्थाओं में लोगों की देखभाल की जा रही है। डॉक्टर फाउची ने सुझाव दिया है कि भारत को अपनी सेना की मदद उसी तरीके से लेनी चाहिए जिस तरीके से चीन ने ली थी और जल्द से जल्द फील्ड अस्पताल बनाने चाहिए जैसे कि युद्ध के दौरान बनाए जाते हैं, ताकि उन लोगों को अस्पताल में बिस्तर मिल सके जो कि बीमार है और जिन्हें जल्द से जल्द भर्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप COVID-19 मरीजों को सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वहीं डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत में ऑक्सीजन की समस्या काफी नाजुक है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाना वास्तव में काफी दुखद है। उन्होंने भारत की स्थिति पर निराशा जताते हुए कहा है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तत्काल तौर पर अस्पताल, ऑक्सीजन, PPE किट और दूसरे मेडिकल संसाधन नहीं मिल पाना एक गंभीर समस्या है। डॉक्टर फाउची ने यह भी कहा कि दुनिया के अन्य देश कई सामान और कर्मी मुहैया करा के भारत की मदद कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर इकाइयां मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत आपात स्थितियों में अक्सर दूसरे देशों की मदद करता रहा है और ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है कि दूसरे देश आगे आकर भारत की सहायता करें। उन्होंने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, वैसे ही संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बेहद जरूरी है। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।